वहीं से लाइव करा देंगे मैम को, वहीं से भारतीय जनता पार्टी 300 से पार फिर जा रही है, और ये मैं नहीं कह रही, सारे टीवी चैनल कह रहे हैं। अब ये सपा को भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन गई है। तो सरकार बनने के बाद किस तरह के विकास कार्य रह गए हैं वो पूरे होंगे किस तरह से? हाँ, जो विकास कार्य रह गए हैं वो पूरे होंगे। जो हमारा नया मैनिफेस्टो है उसमें जो किसानों के लिए, फिर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो घोषणाएँ की हैं वो पूरी होंगी। अब सभी जानते हैं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने चाहे भव्य राम मंदिर बन रहा है आज हमारा अयोध्या में, या धारा 370 हटी है, ये एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार। क्या मैम मुद्दे रहे जो बीजेपी को इस तरह का वोट मिला? हमारे कई मुद्दे थे, विकास का मुद्दा तो था ही, इसके साथ कोविड के कारण महिलाओं की, बहनों की कैसे रसोई चले, इसका इंतजाम भी योगी जी ने और मोदी जी ने किया, महीने में 2 बार राशन देके, क्योंकि अनेक भाई हमारे कोविड के कारण नौकरी छोड़ा है, काम नहीं मिला, तो लेकिन भोजन तो सभी को चाहिए, तो इसकी चिंता केवल योगी जी ने और मोदी जी ने की। एक तो ये मुद्दा रहा, दूसरा कोविड में नंबर एक पर उत्तर प्रदेश था वैक्सीनेशन में, और उसकी WHO ने भी सराहना की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।